बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जुमांजी वेलकम टू द जंगल। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली कहानी खत्म हुई थी, यानी कि समंदर के किनारे, जहां पर एक आदमी को जुमांजी बोर्ड मिलता है और ये साल होता है सन 1996। वो आदमी जुमांजी गेम को उठाता और अपने घर ले जाता है, जहां पर वो उस गेम को अपने बेटे को दे देता है। ये वो साल होता है जब बच्चे वीडियो गेम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए वो लड़का इस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। रात को जब वो सो रहा होता है, जुमांजी बॉक्स से एक बार फिर से आवाज आती है और जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर वीडियो गेम का कार्ट्रिज होता है, जिसका मतलब ये है कि इस गेम ने अपने खेलने के नेचर को बदल दिया है, क्योंकि ये एक जादुई गेम है। और अब वो लड़का उस कार्ट्रिज को अपनी वीडियो गेम में लगाता है, जिसके बाद उसके कमरे में रोशनी दिखती है और वो लड़का अपने कमरे से गायब हो जाता है। इस घटना के 21 साल बीत जाने के बाद हमें स्पेंसर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा डरपोक भी होता है, इसीलिए उसका एक क्लासमेट हमेशा उससे अपना होमवर्क करवाता है। ये साल होता है सन 2017। स्पेंसर का दोस्त उसे फ्रीक हाउस में बुलाता है। ये फ्रीक हाउस उसी लड़के का है जो आज से 21 साल पहले वीडियो गेम के अंदर कार्ट्रिज डालने के बाद गायब हो गया था। उस लड़के का नाम था एलेक्स। एलेक्स के गायब होने के बाद उसके पिता का बिहेवियर बहुत अलग हो गया था, इसीलिए सब ने इस घर को फ्रीक हाउस का नाम दिया, जहां अब कोई भी नहीं रहता। अब यही एक स्कूल को दिखाया जाता है, जहां पर बेथनी और मार्था नाम की दो स्टूडेंट्स हैं। इन दोनों को पनिशमेंट के लिए एक दूसरे रूम में काम करने के लिए भेजा जाता है। यहां पर स्पेंसर को और उस लड़के को, जो जबरदस्ती स्पेंसर से अपना होमवर्क करवाता है, जिसका नाम फ्रेज है, इन दोनों को भी पनिशमेंट के लिए भेजा जाता है। इन चारों को पुरानी मैगजीन से पिंस निकालने हैं। अब इन्हें यहीं पर वो गेम मिलती है, जिस गेम के अंदर आज से कई साल पहले एलेक्स ने कार्ट्रिज डाला था और खुद वो गेम के अंदर चला गया था। ये दरअसल एलेक्स के पिता ने स्कूल को डोनेट कर दी थी और अब ये चारों के चारों अपना अपना प्लेयर सेलेक्ट करके इस गेम को खेलना शुरू करते हैं और ये जुमांजी गेम है। ये चारों के चारों जैसे गेम को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके गेम के अंदर चले जाते हैं। इन चारों ने जिस जिस प्लेयर को सेलेक्ट किया था, गेम के अंदर इनका रूप और इनकी पावर उसी प्लेयर के हिसाब से बन जाती है। स्पेंसर ने जिस प्लेयर को सेलेक्ट किया था, उसका नाम है ब्रेवस्टोन, यानी कि स्पेंसर ब्रेवस्टोन बन चुका है, जो कि कॉन्फिडेंट आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर है। साथ ही यहाँ पर फ्रेज ने जिस प्लेयर को सेलेक्ट किया था, उसका नाम होता है मूज, जो कि एक जियोलॉजिस्ट और वेपन कैरियर है। साथ ही मार्था, जिसने रूबी राउंड हाउस को चूज किया था, वो इस गेम में, इस दुनिया में एक कमांडो है। और उसकी साथी बेथनी, जो कि शैली के अवतार में इस गेम के अंदर आती है, जो कि एक मेल है और ये एक साइंटिफिक फील्ड का एक्सपर्ट है। इन सब के हाथों में तीन तीन लाइन के टैटूज होते हैं, जो कि इनकी लाइफ लाइन है, यानी कि इन्हें तीन तीन चांसेस मिलेंगे। शैली नदी के किनारे जाता है, जहां पर हिपोपोटामस उसे निगल जाता है, यानी कि वो मारा गया, लेकिन उसके पास तीन लाइफ लाइन है, इसीलिए ऊपर से दोबारा आ जाता है। हिपोपोटामस अब भी इनका पीछा कर रहा होता है, सबके सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी जंगल में एक गाड़ी आती है, जिसमें एक आदमी होता है, वो इन सबको हिपोपोटामस से बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। दरअसल वो गेम के अंदर इनका गाइड है, वो इन्हें गेम के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, साथ ही इन्हें इस राउंड से दूसरे राउंड में ले जाता है। साथ ही इन्हें बताता है कि इस जंगल का नाम जुमांजी है और अगर इन्हें सब कुछ ठीक करना है, यहाँ से निकलना है, तो इन्हें इस गेम को खत्म करना होगा। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम वैन है। वैन कई साल पहले अपने पार्टनर, जिसका नाम ब्रेवस्टोन है, उसके साथ यहाँ पर एक खास किस्म का हीरा ढूंढने के लिए आया था, जो इन्हें एक जैगवार की बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति की आंख के रूप में मिला। ये जैगवार की मूर्ति इस जंगल की, इस पूरी जगह की रक्षा करती है, लेकिन वैन ने उसकी आंख को, सिरे को निकाल दिया, जिसके बाद ये जंगल श्रापित हो गया और इस जंगल में जितने भी क्रिएचर्स हैं, वो सब के सब उसके अधीन हो गए, यानी कि वो उन सब को कंट्रोल करता है। गाइड इन चारों को बताता है कि एक दिन जब वैन सो रहा था, तो मुझे मौका मिल गया, मैंने हीरे को चुरा लिया और अब वो हीरा मेरे पास है। इसके बाद वो हीरा इनको दे देता और कहता है कि तुम्हें इस हीरे को जैगवार की आंख में लगाना होगा, तभी ये गेम खत्म होगी। हीरा लगाने के बाद तुम्हें बोलना होगा जुमांजी। दरअसल जैगवार की आंख लगाने के लिए इन सब को एक एक करके सभी राउंड्स को पार करना होगा, तभी ये जैगवार की आंख लगा सकते हैं। गाइड इन्हें एक नक्शा देता है और कहता है कि इसका हिस्सा एक और है, जो तुम्हें इस राउंड में मिलेगा, और जब तक तुम्हें वो हिस्सा नहीं मिल
मिलता तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस राउंड को पार नहीं कर पाओगे। गाइड यहाँ से चला जाता है और अब यहाँ पर वैन के बहुत सारे लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले में रूबी मारी जाती है, लेकिन उसके पास 3 लाइफ लाइन है, इसीलिए वो एक बार फिर से जिंदा हो जाती है। ये देखते हैं कि रूबी के हाथ में जो 3 लाइन थी उनमें से एक लाइन मिट चुकी है, शैली की भी एक लाइन मिट चुकी होती है। ये समझ जाते हैं कि इनके पास 3 मौके हैं, अगर इन्होंने 3 मौके खो दिए तो ये इस गेम में मारे जाएंगे। अभी सब के सब झरने से कूदकर वैन के लोगों से बच जाते हैं। रास्ते में स्पेंसर जो कि ब्रेव स्टोन है, साथ ही फ्रेज जो कि मोज है, इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और यहाँ पर फ्रेज यानी कि मोज ब्रेव स्टोन यानी कि स्पेंसर को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अगले पल वो ऊपर से दोबारा आ जाता है, यानी कि उसकी भी एक लाइफलाइन अब खत्म हो चुकी है। ये सब फैसला करते हैं कि आपस में नहीं लड़ेंगे बल्कि एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि इन्हें किसी भी कीमत पर इस गेम को खत्म करना है। ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं, जहाँ पर मूज केक खा लेता है, जो उसे नहीं खाना चाहिए था, वो उसकी कमजोरी है। केक खाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मूज की भी एक लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है। अभी इनके पास एक बच्चा आता है और कहता है वेलकम टू जुमांजी, और इन सबको अपने साथ ले जाता है जहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स है। वो कहता है कि अगर तुमने आंखें झपकाई तो तुम मारे जाओगे। ये एक तरह की पहेली है जिसे इन्हें सुलझाना होगा। ब्रेवस्टोन उस बॉक्स के पास जाता है, उसके ढक्कन को खोलता है, अंदर से ब्लैक मांबा निकलता है जो कि बहुत ही जहरीला सांप है। मोस कहता है कि अगर इसने तुम्हें काट लिया तो 1 सेकंड में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसके अंदर शायद वो नक्शे का दूसरा हिस्सा है जो हमें चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें इससे नजर मिलानी होगी। अब सांप इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मोस उसके दांत निकाल देता है, क्योंकि अगर वो किसी को काटेगा भी तो किसी को जहर नहीं फैलेगा। और अभी उस बॉक्स के अंदर देखते हैं जिसमें एक कागज होता है, उस कागज को खोलने के बाद उसके अंदर हाथी की छोटी सी मूर्ति होती है। कागज में लिखा होता है कि जैसे तुम हाथी को देखो तो चढ़ाई करना शुरू कर देना। ये समझ जाते हैं कि नक्शे का दूसरा हिस्सा ये नहीं है, इन्हें अभी भी उसे तलाश करना होगा। अब जब ये बाहर आते हैं तो वैन के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वैन भी यहाँ पर आ जाता है, पर इससे पहले कि इन सबको पकड़कर यहाँ से ले जाया जाता है, यहाँ पर एक आदमी आता है जो इन सबको निकाल कर एक खुफिया रास्ते से इस जगह से ले जाता है। जल्दी इन्हें पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एलेक्स है, जो आज से 21 साल पहले इस गेम के अंदर सबसे पहले आया था। उसकी 2 लाइफ लाइन पहले ही खत्म हो चुकी है और अब उसके पास सिर्फ 1 लाइफलाइन है। अगर वो मारा गया तो सच में मारा जाएगा। चारों को ये भी पता चलता है कि नक्शे का जो दूसरा हिस्सा था वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एलेक्स था, जो कि अभी ने मिल चुका है। ये एलेक्स को विश्वास दिलाते हैं कि ये सब उसे मिलकर बचाएंगे और इस गेम को खत्म करेंगे ताकि सब के सब अपने घर वापस पहुंच जाएं। लेकिन इस घाटी को पार करने के लिए इन्हें एक गाड़ी चाहिए। गाड़ी जहां पर होती है वहां पर बहुत सारे गार्ड्स भी हैं। इन्हें सबसे पहले उनका ध्यान कर गाड़ी को हासिल करना होगा। अब इनके साथ जो रूबी होती है वो गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए जाती है और पीछे से सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर गाड़ियां हैं। यहां पर हेलीकॉप्टर भी है। ये इस जगह से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर चूज करते हैं। रूबी भी अपनी डांसिंग स्किल के साथ साथ फाइटिंग स्किल को भी यूज करके उन गार्ड्स पर हमला करके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है। पर जब सब के सब हेलीकॉप्टर से यहां से निकल रहे होते हैं तो वैन के कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं जो इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करते हैं, जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होकर एक घाटी एक खाई में गिर जाता है। वहां पर बहुत सारे गेंडे होते हैं जो इनके हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं, जो जल्दी इनके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएंगे। एक गेंडा अपने सिंग से इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड होता है वो अपनी जगह से हट जाता है। अब ये चाहकर भी ऊपर नहीं जा सकते। ब्रेवस्टोन को जब ये पता चलता है तो वो ऊपर जाकर उस ब्लेड को फिक्स करता है, जिसके बाद इनका हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है। मौस से यहाँ पर एक गलती हो जाती है, उसके बैग में जो हीरा है जो कि जैगुआर की आंख है वो वहीं घाटी में गिर जाता है, यानी कि इन्हें वापस जाकर उस हीरे को हासिल करना होगा। ये घाटी के ऊपर हेलीकॉप्टर को उस जगह लेकर आते हैं जहाँ पर हीरा होता है, लेकिन नीचे अब भी खतरनाक जानवर है, इसीलिए कोई नीचे नहीं जाना चाहता। रेवस्टोन मौस को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है, जिसके बाद जानवर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मौस अपनी जान बचाने के लिए भागता है और ब्रेवस्टोन को मौका मिल जाता है, वो नीचे जाकर हीरा उठाकर ऊपर ले आता है और मोस को गेंडे मार देते हैं, जिससे उसकी एक और लाइफलाइन खत्म हो जाती है, यानी कि उसके पास अब एक ही लाइफलाइन बची है। अब ये सब के सब घाटी पार करके ऊपर आ जाते हैं, जहां पर एलेक्स को एक मॉस्किटो काट लेता है। ये उसकी एक वीकनेस है, जैसे कि मोस
उसकी केक थी जिसे खाकर उसकी मृत्यु यानी कि एक लाइफ लाइन खत्म हो गई थी। इसीलिए अब यहाँ पर एलेक्स भी मर रहा होता है। शैली जिसके पास अब भी दो लाइफ लाइन है वो अपनी एक लाइफ लाइन एलेक्स को दे देती है जिससे उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर जो ब्रेव स्टोन है वो मार्था को प्रपोज करता है। वो बताता है कि जब हम 7th स्टैंडर्ड में थे तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर मार्था भी उसे पसंद करने लगी है क्योंकि वो असली दुनिया में एक बहुत ही डरपोक लड़का था लेकिन इंटेलिजेंट था, पर यहाँ पर वो इंटेलिजेंट भी है और एक बहादुर इंसान भी। इसीलिए मार्था उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अभी सब के सब फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं जहाँ पर ये जगुआर की बड़ी मूर्ति को देखते हैं जिस तक इन्हें पहुंचना है, पर उस जगुआर की मूर्ति की रक्षा असली के जगुआर कर रहे हैं। ब्रेवस्टोन तय करता है कि वो पेड़ों के ऊपर से जाएगा पर वो गलती से पेड़ से नीचे गिर जाता है जिसके बाद जगुआर उसे मार देते हैं। उसकी भी एक लाइफ लाइन खत्म हो जाती है यानी कि अब उसके पास भी एक ही लाइफ लाइन है। इसीलिए तय करते हैं कि ये अलग अलग रास्ते से जगुआर की मूर्ति तक पहुंचेंगे। यहाँ पर मूस और शैली अलग रास्ते से दोनों एक साथ जाते हैं। रूबी यहाँ पर वैन के लोगों से फाइट कर रही होती है क्योंकि वो इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर पहुंच गए होते हैं, और ब्रेवस्टोन जो कि सीधे रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। एलेक्स यहाँ पर जगुआर का ध्यान भटका रहा होता है ताकि वो किसी के ऊपर हमला ना करे। अब यहाँ पर वैन भी आ चुका है जो शैली को पकड़ लेता है, लेकिन मूस को यहाँ पर एक हाथी दिखता है जिसके ऊपर बैठकर वो मूर्ति पहुंच जाता है। ब्रेवस्टोन देखता है कि वैन के एक आदमी ने रूबी को पकड़ लिया है। वो उसकी जान बचाता है और वैन के आदमी की बाइक लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर मूर्ति है। ब्रेवस्टोन देखता है कि वैन ने शैली को गन पॉइंट पर ले रखा है और वो ब्रेवस्टोन से कहता है कि अगर तुमने मुझे हीरा यानी कि आंख नहीं दी तो मैं शैली को गोली मार दूंगा। ब्रेवस्टोन कहता है कि मेरे पास वो हीरा नहीं है, और तभी यहां पर एक बहुत बड़ा हाथी आता है जिसके ऊपर मोस बैठा होता है। हाथी सभी जगुआर को कुचलता हुआ मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और हाथी ज्यादा हिलने डुलने की वजह से मोस के हाथ से हीरा छटक कर ऊपर गिर जाता है। साथ ही यहाँ पर वैन की गन भी गिर जाती है। ब्रेवस्टोन को वो लाइन याद आती है जो हाथी वाली मूर्ति के साथ कागज में लिखी हुई थी कि जब भी हाथी को देखो तो ऊपर की तरफ जाओ, और अब ब्रेवस्टोन उस तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर उसे जगुआर की आंख को लगाना है यानी कि हीरे को फिक्स करना है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है लेकिन वो अपनी बाइक से अपनी जान पर खेलकर उस जगह तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ शैली को दिखाया जाता है जो अब जगुआर की आंख तक यानी कि हीरे तक पहुंच जाती है, पर वैन वहां पर आकर अपनी शक्तियों से उसके चारों तरफ सांपों को इकट्ठा कर देता है। सांप उसकी कमजोरी है यानी कि वो सांप से मर सकती है, लेकिन अब भी इसके पास दो लाइफ होती है। इसीलिए शैली उस जगह पहुंचकर उस हीरे को उठा लेती है। सांप की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, पर मृत्यु के बाद उसे एक और लाइफ मिलती है जिसके बाद वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर ब्रेवस्टोन है। वो ऊपर से नीचे गिरते हुए ब्रेवस्टोन के हाथ में जगुआर की आंख दे देती है। जगुआर उस आंख को जगुआर की आंख की जगह पर लगा देता है, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं बदलता। और तभी सबको याद आता है कि आंख लगाने के बाद इन सबको जुमांजी कहना है। अभी ये गेम खत्म होगी। अभी सब के सब एक साथ मिलकर जुमांजी कहते हैं, और जुमांजी कहते ही यहां पर जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। साथ ही वैन भी यहां से गायब हो जाता है। अभी यहां पर वो गाइड आता है जिसने इन्हें जगुआर की आंख यानी कि हीरा दिया था। वो इन सब का शुक्रिया करता और कहता है कि तुमने हमारे जंगल को यानी कि जुमांजी को श्राप मुक्त कर दिया। वो पहले की तरह हरा भरा हो गया। वो एक एक करके सबसे हाथ मिलाता है, और जैसे वो हाथ मिलाता है सबके सब वहीं वापस आ जाते हैं जहां से इन्होंने गेम शुरू की थी। लेकिन ये चारों ये देखकर हैरान होते हैं कि एलेक्स इनके साथ यहां पर नहीं आया। ये सबके सब यहां से निकल जाते हैं, और रास्ते में जब ये एलेक्स के घर के आगे से गुजरते हैं जिसे फ्रीक हाउस कहा जाता था जो पूरी तरह से अबैंडन था, अब वो एक खूबसूरत घर होता है। और तभी एलेक्स अंदर से निकलता वो बताता है कि जुमांजी गेम ने मुझे वापस मेरे वक्त में भेज दिया था यानी कि 1996 में जब मैंने उस गेम को खेला था और उस गेम की दुनिया में चला गया था। उसके बाद मैंने शादी की, मैंने एक अच्छी जिंदगी जी, आज मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मैंने अपनी बेटी का नाम शैली यानी कि बेथनी रखा है क्योंकि बेथनी ने ही मुझे अपनी पावर अपनी लाइफ देकर जिंदा किया था। ये चारों के चारों जो पहले कभी अच्छे दोस्त नहीं हुआ करते थे अभी सब के सब अच्छे दोस्त हैं। स्पेंसर जिसका गेम में नाम ब्रेवस्टोन था उसका मार्था से यानी कि रूबी से अब रिलेशनशिप है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अब ये उस गेम को भी तोड़ देते हैं जिस गेम की वजह से ये जुमांजी जंगल में पहुंच गए थे। इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस कहानी को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।